नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का अपना इंडिया रेलवे के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बड़ी सालड़ी में रेलवे का लोकार्पण हो चुका है। रेल मंत्री जी ने कहा है कि सांसद जोशी साहब खूब काम लेते हैं, श्री जी का प्रसाद जो है कभी नहीं लेते हैं, इनके इसके बिना मैं मांग को पूरा नहीं मानूंगा। कटारिया साहब बोले जल्द पूरा उदयपुर हिम्मतनगर प्रोजेक्ट। रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को जापानी बुलेट ट्रेन से बेहतर क्यों बताया है। बड़ी सारिणी में उदयपुर के लिए ट्रेन की शुरुआत कर रविवार को रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने सांसद सीपी जोशी की पीठ जो है थपथपाई है। जोशी का हाथ ऊपर कर वैष्णव ने तारीफ कर उलाना दिया कि जोशी सक्रिय जनप्रतिनिधि है, बार बार डिमांड करते हैं लेकिन श्रीनाथ जी का प्रसाद नहीं लेते। अब श्रीनाथ जी का प्रसाद नहीं लाएंगे तो डिमांड पूरी कैसे करूँगा। यह सुनने के बाद पंडाल में हंसी जो है छूट गई। रेल मंत्री ने कहा कि भारत में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत ट्रेन दुनिया में जापान की बुलेट ट्रेन से भी बेहतर है। जापान की ट्रेन 55 सेकंड में जबकि वंदे भारत 54 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। तो भाइयों, अपने देश के ऊपर गर्व करने का यह माहौल है, गर्व करने की बात है तो एक लाइक तो बनती है वीडियो के लिए। तो वैष्णव ने विभिन्न रेल सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश के सभी स्टेशनों को अगले 50 साल की योजना के अनुसार बनाया जा रहा है। उदयपुर सिटी स्टेशन के वैश्विक स्तर पर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका जो टेंडर है अगस्त में फाइनलाइज कर दिया जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर जो उदयपुर रेलवे स्टेशन है इसको जो है हेरिटेज के रूप में यहाँ पर जो है इसका कार्य को किया जाएगा। इसका जो रीडेवलपिंग है वह जो है हेरिटेज के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। तो अगस्त में इसके लिए टेंडर वगैरह निकाल दिया जाएगा। वैष्णव ने चित्तौड़ के स्टेशन को भी विश्व स्तर बनाने की घोषणा की। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व सांसद श्री चंद कृपलानी, बड़ी सालड़ी विधायक ललित कुमार ओसावाल, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना सहित उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ब्रजेश कुमार गुप्ता, अजमेर मंडल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का जी भी इस पूरे फंक्शन में मौजूद थे। बड़ी चादड़ी से आई ट्रेन का राणा प्रताप नगर स्टेशन पर बड़ी चादड़ी और जैन मित्र मंडल की ओर से बहुत भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा से अजमेर के लिए सीधा ब्रॉडगेज मार्ग जो है जुड़ चुका है। नई ट्रेन से ये सब चीज़ें जो है मजबूत होने वाली है। रोजगार एवं अन्य कार्यों के लिए अप डाउन करने वालों की बड़ी सुविधा मिलेगी। ब्रॉडगेज लाइन स्थापित होने से देश के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ा होगा। राजस्थान और MP के बीच बेहतर संपर्क और किफ़ायती यात्रा जो है हो सकेगी। मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र का राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से संपर्क स्थापन होने से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष कटारिया मंत्री और रेल अधिकारियों का उदयपुर हिम्मतनगर प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस मार्ग को जल्द शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही देवगढ़ पर प्रस्तावित सर्वे को भी पूरा करने की मांग की। सांसद जोशी ने कहा कि बड़ी चादड़ी नीमच रेल लाइन 3 वर्ष के संघर्ष के बाद मिली है। अगर उसका कार्य 2023 तक पूरा हो जाए तो यह सीधा मुंबई से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अजमेर उदयपुर मार्ग का डबलिंग होना चाहिए। इस कार्य में राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनें की संभावना भी जो है देखी जा रही है। उन्होंने इस ट्रेन का नाम भामाशाह एक्सप्रेस रखने की मांग भी की है। तो आप समझ सकते हैं हमारे उदयपुर कितना डेवलपमेंट होने वाला है। तो उदयपुर का अब जो है ना जो विकास है, आप एक बुलेट ट्रेन छोड़ी दोस्तों, बड़ी से बड़ी हाइपर लूप ट्रेनों की रफ्तार के बराबर उदयपुर की रफ्तार को किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के इतिहास में यह जो पल है सुनहरे अक्षरों में अंकित जो है किया जाएगा, क्योंकि लंबे कार्यकाल के बाद ट्रेनों की शुरुआत जो है हो रही है। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारी पेशकश अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं लगातार नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।